चुनाव के समय आपके सामने प्रचार बहुत कि बहुत विकास आएगा, रोजगार 2 करोड़ मिलेंगे, सबके खातों में 15-15 लाख डाले जाएंगे, लेकिन आप ही ने देखा है कि 5 सालों में क्या हुआ। जहां जहां मैं जाती हूं, मुझे नौजवान मिलते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, महिलाएं मिलती हैं जो दुखी हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, किसान मिलते हैं जिनके लिए कुछ नहीं किया गया, किसानों को उपज का दाम नहीं मिलता, बीज खाद समय पे नहीं मिलती, उनके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिलती। जैसे जैसे चुनाव आने लगते हैं तो घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। अब दोबारा कहा है कि आपके खातों में 6,000 रुपए आएंगे, 2,000 रुपए डाल दिए हैं, लेकिन आप सबको जागरूक बनना पड़ेगा, आप सबको समझना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और किस तरह की राजनीति आप इस देश में चाहते हैं। आज खास तौर से आपके प्रदेश के हालात, 45 सालों में ऐसी स्थिति नहीं आई है जबकि इतने कम रोजगार दिए गए, और सरकार क्या करती है, जब आप प्रदर्शन करते हैं, जब आप अपने अधिकार मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो आपको दबाने की कोशिश होती है। कुछ दिनों पहले मैं अध्यापकों से मिली थी और आंगनवाड़ी की बहनों से, वो भी कह रही थी कि जब हम प्रदर्शन करने जाते हैं तो हमें पीटा जाता है। तो एक ऐसी सरकार है जिसे आपकी पीड़ा के लिए कोई संवेदना नहीं, किस तरह की राजनीति है और किस तरह से आपका विकास होगा, इन चीजों पे आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपका वोट बहुत बहुत कीमती है, आपका हथियार है, आपका अधिकार है। जब आप लोगों से मांगते हैं, नेताओं से मांगते हैं कि हमारे लिए नल लगवाइए, हमारी सड़क बनवाइए, हमारा विकास कराइए, यहाँ पाठशाला खुलवाइए, आपको ये मांगना नहीं चाहिए, आपको उस नेता को सिखाना चाहिए कि तुम नहीं दोगे तुम्हें वोट नहीं मिलेगा। ये आपके हक है, आपके हक है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपका अधिकार है, आवाज उठाना आपका अधिकार है। आप दुखी हैं, जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है। इस देश की संस्थाएं आपके लिए बनाई गई थी, उन सरकारों द्वारा जिनको आपके हित के बारे में जिनकी चिंता थी, जो चाहते थे कि आपका विकास हो। अगर आप इतनी देर तक मेरा इंतजार कर रहे हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिल में एक आशा है कि राजनीति बदले, कि आपका विकास हो, कि चुनाव में ये मुद्दे उठाए जाएं जो आपके मुद्दे हैं। आपके बच्चे शिक्षा कैसे, इनकी शिक्षा पूरी कैसी होगी, इनका विकास कैसे होगा, इनका भविष्य कैसे बनेगा, यही तो मुद्दे हैं। और देशभक्ति की बात करते हैं, कोई ऐसा इंसान है यहाँ जो देशभक्त नहीं है? बताइए, आप सब देशभक्त हो कि आप अब जागरूक बनोगे, अपने देश को इन लोगों से बचाओगे, अपनी देश की हिफाजत करोगे, अपने देश की जिम्मेदारी लोगे। इतने बड़े देशभक्त हो, दिखा दो सबको इस चुनाव में जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो आपका विकास नहीं चाहते, जो सिर्फ प्रचार में विकास चाहते हैं, उनको सबक सिखाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।